हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किसी भी अप्रेंटिस में अप्लाई करने से पहले आपको apprenticeindia.gov पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और ये रजिस्ट्रेशन वन टाइम होता है। आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम गूगल पर टाइप करते हैं, गूगल पर टाइप करते हैं apprenticeshipindia.gov.in। ठीक है, इसे टाइप करने के बाद देखिए apprenticeshipindia.org पर टाइप करते हैं, और यहाँ लिखने के बाद मैं आपको कुछ दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। तो आप देखिए पहले ही टैब पर क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा रोड के बगल हूँ जिसकी वजह से पीछे गाड़ी की भी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा क्लियर सॉरी। देखिए हम अब apprenticeshipindia.org के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। अब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो लॉगिन कर सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड न्यू है यूजर हैं उनको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के लिए देखिए ऊपर एक रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पहला ही ऑप्शन दिख रहा है ना कैंडिडेट का, इस पर आपको टैप करना है। अब यहाँ आगे देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको इसमें अपना पर्सनल डिटेल डालनी है जिसमें आपको यहाँ पर नेम डालना है। तो आप अपना नेम लिख दीजिए यहाँ पर, और मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझसे जुड़ सकें। मैं आप लोगों को वीडियो टाइम लगा निकाल के देता ही रहूँगा, फिलहाल मैं अभी थोड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। तो यहाँ पर अपने फादर का नाम टाइप करेंगे, तो अपने फादर का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, हमने फादर का नाम फिल कर लिया। अब दोस्तों अब यहाँ पर आते हैं रिलेशन, आपके रिलेशन क्या हैं उसके बारे में बताएंगे। तो फादर लगता हूँ मैं, मतलब कि ये फादर लगते हैं मेरे, तो आप फादर डालिए जो आपके लगते हैं वो डालिए हैं। आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करें और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी है। तो ये दोस्तों ये आई किसी भी अप्रेंटिस जहाँ पर भी आप कहीं भी अप्रेंटिस करने जाएंगे तो आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, जिससे आपका इसका ये अप्रेंटिस के पेंडेट पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, और हर उस पर जाओ कोई भी अप्रेंटिस आप अप्लाई करेंगे तो उसमें इसका रजिस्ट्रेशन मांगता है। तो आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और अपना आवेदन नंबर यहाँ से ले लेना है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ अपना डिटेल देख रहे हैं फिल कर लेना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल देना है आपको है? तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देते हैं, पीछे थोड़ी आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी। आप अपना जीमेल डाल दीजिए, हम जीमेल फिल कर देते हैं, जीमेल डाल दिया मैंने अपना। आप अपना यहाँ पर जीमेल कंफर्म करिए कि आपका ही जीमेल है। फिर से आप अपना यहाँ पर एक पासवर्ड बनाइए, देखिए आपका एक पासवर्ड जो है, जैसे कि आपका नाम, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ वीवो, तो इसमें पहला कैपिटल वी कैपिटल में रखना, बाकी स्मॉल में रखना, फिर कोई अंक दे देना, फिर कोई स्पेशल करेक्टर दे देना, तो आप पासवर्ड क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, मतलब वीवो एग्जाम्पल के तौर पर वीवो 5@, तो इससे आपका पासवर्ड जो है आसानी से क्रिएट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने अपना क्रिएट किया हूँ वीवो 5@, तो आपको भी इसी तरह से क्रिएट कर लेना है, आसानी से क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं इसलिए मैं एग्जांपल भी बता दिया, वीवो 5@। मिनिमम पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो मेरा हैगा। यहाँ पर सबमिट करना है, देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो करने लगा। तो आपको एक जीमेल पे एक मैसेज गया होगा, आपको वहाँ पर एक्टिवेट लिंक दिखेगा, वहाँ पर उस पर क्लिक करके आपको वहाँ पर एक्टिवेट करना होगा। तो आप अपने जीमेल में जाइएगा, और वहाँ से जो एक लिंक गया होगा इसी वेबसाइट के माध्यम से, तो आपको उस वेबसाइट पर जाना है, और उस जो लिंक गया है जीमेल पे
उस पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपका ये एक्टिवेट हो जाए। हैं देखिए, मैं जीमेल पे आ गया हूँ और apprenticeshipindia.org की ऑफिशियल वेबसाइट से ईमेल आया है। इस पर मैं जो है क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक लिंक आएगा। देखिए यहाँ पर एक्टिवेट लिखा है, तो आप इस एक्टिवेट पे ही क्लिक कर देना है। और एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर लिखा रहा है यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल हो गया हमारा। अब आपको एक पासवर्ड मिल गया होगा और अपने जीमेल के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए मैं अब लॉगिन करने जा रहा हूँ, आप भी मेरी तरह लॉगिन करें। हैं देखिए मैं नीचे दिखाता हूँ, और अपना जीमेल डालना है तो आप वही रजिस्ट्रेशन जीमेल यहाँ पर डालिए। ठीक है, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको नीचे डालना है, फिल करना है। हैं तो यहाँ पर कॉन्टेक्शन लिखा है, फिर टिक कर दीजिए और लॉगिन कर लेने। देखिए लॉगिन हो गया है, आपका डैशबोर्ड प्रोफाइल यहाँ पर दिखने लगा। ये सब जो है देख लीजिए, ये स्टेटस दिखाता है आपका डैशबोर्ड कि आपने कौन सी अप्रेंटिसशिप पे अप्लाई की है। तो यहाँ पर ये बताता है, ये अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, 00 है सब। हैं तो देखते हैं अरे ओके, कंप्लीट प्रोफाइल करना है। देखिए ऊपर डॉट्स के माध्यम से आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा राइट के कॉर्नर ऊपर पे। हमें नीचे आना है, अबाउट मी, अपने बारे में आपको डिटेल फिल करनी है, फिलहाल कर दिए हैं। मैं नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद एडिट एजुकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। लेकिन मैं देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारी जानकारियाँ सावधानी से भर लेनी है और सारा चीज़ अपने बारे में देख लेना है, क्या सही है क्या गलत है। तो फिर आपको जो है ये जानकारी वेरीफाई करने के बाद आपको अपने एडिट अबाउट में जाना और यहाँ पर सारी जानकारी आपको वेरीफाई कर लेनी है। देखिए कहाँ से क्या लग रहा है, देखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर सारा स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर सही है, मोबाइल नंबर सही है, नाम सही है, ये सब देख लेना है आपको अच्छी तरीके से, जो कि अप्रेंटिस अगर आप में जाएँ तो वहाँ पर आपको दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। आपको डेट ऑफ बर्थ में आपको कुछ भी मिलेगा, कहें आधार कार्ड या दसवीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, जो 4 MB तक हो, के अंदर अंदर होने चाहिए, ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों। और यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ भी आपको देना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो अवेलेबल हो, पैन कार्ड, ऐसा आपको जो भी आपके पास लगे सुविधा अनुसार वैसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पैन कार्ड, ड्राइविंग, अदर्स, ये सब बता रहा है, देख रहे ना। यहाँ आपको डोमिसाइल मांग रहा है, डोमिसाइल दे दीजिए। सपोर्टिंग आपके पास है, डॉक्यूमेंट है तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। ठीक है, कैटेगरी में आपको चुन लीजिए आपकी जो कैटेगरी लगती है, सिटी, आपका एड्रेस यहाँ पर डाल फिल करना है और यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, और फिर नीचे चलते चले आना, अपने एड्रेस के बारे में बताते चले आना है, बताते जाओ। जहाँ पर यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर मैच करना है, जो 4 MB से अंदर के ही होना चाहिए, 4 MB से ऊपर का नहीं। तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, आपकी इमेज क्या है, इमेज अपलोड करनी है तो 4 MB से अंदर की होनी चाहिए। अपने बारे में लिख दीजिए आप जो कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, फिर अपडेट फिल कर दीजिए। कह रहा मैंने फिल नहीं किया, कह रहा प्लीज़ फिल वैलिड डाटा, तो मैंने फिल नहीं किया, आप लोग फिल कर लीजिए अपनी। ठीक है, जहाँ जहाँ स्टेप जो बताया हूँ मैंने, वहाँ अपना फिल कर लीजिएगा। और यहाँ फिल करने के बाद देखिए यहाँ पर एजुकेशन पर आपको क्लिक करना है, अपनी एजुकेशन डालना है, तो मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालता हूँ। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप क्या किए, ITI किए तो ITI डाल दिए, 10th डाल दिए, 12th डाल दिए, तो मैं ITI का ही डालता हूँ, क्योंकि ये अप्रेंटिस रिलेटेड है और ITI किससे थी, कनेक्टिविटी थी। और यहाँ पर आपको किस स्टेट से किए थे उसका नाम डालना है, जैसे फिटर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, तो मैं फिटर डाल देता हूँ, सॉरी गवर्नमेंट ITI डल गया है यहाँ पर, तो मैं फिटर डाल देता हूँ। ठीक है, स्पेशलाइजेशन में, और किस इंस्टीट्यूट ने किया था, तो जिससे आपने किया हो, प्राइवेट से किया हो तो उसका नाम डालिए, गवर्नमेंट से किया तो उसका नाम डालिए, आपने जिससे किया हो उसी से उसी का नाम यहाँ पर डालिए। और जो आपके ITI का नाम है वो ITI का नाम, आप ITI का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम फिल कर देते हैं। और ITI आपने कितना पाया था उसमें, मतलब कि जैसे
जो भी आपको मिला हो 2700 में, आपको कितना मिल गया हो या 2100 में, तो आप यहाँ पर उसमें भर देना है। आपको जितने में, कितने में से कितना आपको पर्याप्त मिला है वह 1728 है प्राप्त मिला है, और टोटल आपको यहाँ टोटल नंबर भर देने होंगे कि टोटल आपको 2100 होंगे। आपको जो परसेंटेज बनेगा आपको यहाँ परसेंटेज फिल कर देना है, और परसेंटेज फिल करने के बाद आप देखिए नीचे आना है। परसेंटेज फिल करने के बाद मैं हमारे 84% डाल देता हूँ। अंदाजे एक डेमो हैगा ये, आप अपना सही डालिएगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप जब से ITI ज्वाइन किए हो उसकी डेट डालिए और एंडिंग डेट डालिए। क्वालिफिकेशन वाला ITI के मार्कशीट सर्टिफिकेट जो हो आपके पास उससे अपलोड करिए, जो 4 MB के अंदर का हो। और नीचे अपडेट आ रहा है, तो यहाँ अपडेट का आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना होगा। और देखिए यहाँ सारा आप समझ चुके होंगे मेरी इस वीडियो में कैसे क्या करना है। अब आपको जब आपका एजुकेशन एरिया फिल हो जाएगा तो आपको एडिट प्रेफरेंस दिख रहा है और आधार वेरिफिकेशन दिख रहा है, तो दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, आधार वेरिफिकेशन पे आते हैं, और आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर जब डाल देंगे तो आपका आधार जो है वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से अपना जो है आधार को वेरीफाई कर सकते हैं, और अपनी का apprenticeshipindia.org पर रजिस्ट्रेशन स्टेप बाई स्टेप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में पूरा समझ चुके होंगे, और मैं उन्हें सभी भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट कहना चाहता हूँ कि यार जो अभी तक मेरे चैनल को से नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको बनाते ला के देता रहूँगा। कोई भी अपडेट वीडियो होगी, लेटेस्ट वीडियो होगी, मैं सब कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी ही वीडियो ला के प्रोवाइड करूँ। तो आप यहाँ पर आपका जो है हो चुका है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ नहीं है, आपको लॉगआउट करके बाहर ले आना है। आपका अप्रेंटिस में किसी में भी आया हो उसमें अगर आप मांगेगा apprenticeshipindia.org का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको वहाँ पर फिल कर देना है। तो देखिए यहाँ सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो बस नीचे आपको वीडियो के नीचे आपको लाल बटन को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।